चलिए तो ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं लखनऊ एयरपोर्ट से, जहां पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त लखनऊ आ चुकी हैं। इन्वेस्टर समिट का आज तीसरा दिन है और लगातार देश भर से तमाम हस्तियां इस इन्वेस्टर समिट में पहुंच रही हैं। और आज इस समिट में तीसरे और अंतिम दिन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी लखनऊ पहुंची है। सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां लोग उनकी अगवानी करने पहुंचे, स्वागत करने पहुंचे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, समिट जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई और आज समिट का तीसरा और अंतिम दिन है। और ऐसे में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंची है। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया, उनकी अगवानी करने के लिए राज्यपाल पहुंची हैं। राष्ट्रपति का स्वागत उन्होंने किया है, मुख्यमंत्री ने भी राष्ट्रपति का स्वागत किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर पहुंचे स्वागत के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची, आप देखिए उनको रिसीव करने के लिए तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल केशव प्रसाद मौर्य, यानी कि तमाम लोग पहुंचे उनकी अगवानी के लिए और हाथ जोड़कर उन्होंने भी सबका अभिवादन स्वीकार किया है। सीधी तस्वीरें आपके सामने, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फूल देकर उनका स्वागत किया है। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी मौजूद हैं, स्वतंत्र देव सिंह, यानी कि तमाम लोग इस वक्त पहुंचे एयरपोर्ट पर उनकी मेज़बानी के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। इन्वेस्टर समिट जिसका तीसरा दिन है ये, और आज इसका समापन भी होना है। और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश की धरती पहुंच चुकी हैं, लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं और अब वो यहां से सीधे कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो जाएंगी। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के लिए तमाम लोग पहुंचे हैं। कफील हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कफील अपडेट आ रहा है और तस्वीरें भी इस बीच अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ पहुंच चुकी है, सीधी तस्वीरें हैं कफील। बिल्कुल, देखिए आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का अंतिम दिन है, इसको लेकर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में हैं और वो कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगी। द्रौपदी मुर्मू को रिसीव करने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं और उनको रिसीव किया। अब से कुछ देर के बाद एयरपोर्ट से निकलकर कार्यक्रम स्थल राष्ट्रपति पहुंचेंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का अंतिम दिन है, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची है। 3 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, 3:45 पर समापन होगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय दौरा है ये लखनऊ का, जो आज लखनऊ वो पहुंच चुकी हैं और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने उनका स्वागत किया है। जी, यानी कि इसके बाद सीधे वो कार्यक्रम स्थल के लिए यहां से रवाना हो जाएंगी। जैसा कि कफील आप भी जानते हैं, कार्यक्रम का तीसरा दिन है, आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है निवेश के लिहाज से, तमाम हस्तियां पहुंच रही। बिल्कुल, देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब से शुरू हुआ है, कई बड़े उद्योगपति लखनऊ आए हैं, खुद मुकेश अंबानी यहाँ आए थे, तमाम टाटा ग्रुप के बड़े उद्योगपति आए थे। तो लाखों करोड़ का निवेश हुआ है और मुख्यमंत्री का ये ड्रीम कार्यक्रम भी है, जहाँ पर इसको भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। पूरे लखनऊ को दुल्हन की तरह सजाया गया था और तमाम जो देश विदेश से उद्योगपति और मेहमान आए हुए हैं, उनके स्वागत की तमाम तैयारियां की गई थी। तो आज इसका समापन है, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं, वो कार्यक्रम के समापन में शामिल होंगी। कई केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं, तो आज का कार्यक्रम काफी भव्य है और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह से खुद अलर्ट हैं। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर और अब वो कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो रही। बहुत शुक्रिया कपिल, जानकारी आपने दी। अपनाएं आयुर्वेद।